लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अरे लच्छू मुबारक हो, इस साल तू भी पास हो गया। अरे छोड़ो, हमारा तो खुदकुशी करने को जी चाहता है। पागल हो गए, इतनी मुश्किल से पास हुए, ऊपर से ऐसी बातें करते हो। राजकुमार, हम इस कॉलेज में 7 बरस से एक ही क्लास में था नहीं। हाँ, इधर कम से कम लड़की लोग का शिकल नजर आता था, दिल को गर्मी रहता था नहीं। अब तो बिल्कुल चांस गया नहीं। अरे बेवकूफ, अच्छे माँ बाप की औलाद हो, किसी अच्छे खानदान की बेटी से शादी कर लेना, बस बात बन जाएगी। तुमको मालूम नहीं क्या? अरे जब हम फेल होता था नहीं, हमारा ओनली डैडी हमारा शादी के लिए 3 लाख डॉलर मांगता था। अब हम पास हुआ नहीं, उसने बड़ी रेट ही बढ़ा दिया नहीं, 5 लाख कर दिया है। राजकुमार, लोगों के पास बड़ी खाने को तो है नहीं, लड़की की शादी के लिए 5 लाख कौन देगा? अभी हमको लड़की तो क्या, मुर्गी भी नहीं मिलेगा। अरे रास्ता क्या है, ऊपर से बोलता है बड़ी दुकान पे बैठो, जो भी कस्टमर आए उसको वेलकम बोलो, भला बोगस शिकल को हम वेलकम कैसे बोलेगा। देखते वो कार देखो लच्छू, एक दिन मेरे पास भी ऐसी ही कार होगी। अरे तुम्हारे पास नहीं होंगी तो वरी किसके पास होंगी, खानदानी आदमी है, हर महीने घर से वरी इतना माल आता है। यही काफी नहीं दोस्त, मेरे सपने बहुत बड़े हैं, सिर्फ दौलत नहीं बहुत सी दौलत, सिर्फ बंगला नहीं बहुत से बंगले, एक कार नहीं बहुत सी कारें। और लच्छू फिर हर रोज हम दोनों एक नई कार में बैठकर सैर को निकलेंगे, पीछे 2 बीवियां बैठी होंगी। डबल डबल का ख्याल है डार्लिंग? डबल का ख्याल नहीं डार्लिंग, एक तेरी एक मेरी। कभी कभी बात करके कलेजा बाहर निकाल देते हैं, ऐसी बात तो मेरे डैडी ने भी कभी मेरे साथ नहीं बोली। माँ का कसम खा के बोलो। अरे ख्याल रखो, 5 बजे की गाड़ी से मुझे जाना है, माँ जी को मिलने। देख मेरे रूम का ख्याल रखना, मैं चलता। मेरी बात का भी ख्याल रखना। अरे सॉलिड हैंड। माँ कहाँ है? भैया रानी मौसी क्या गई है, फिर मैं भी बुलाता हूँ। घर में खुद ही जाता हूँ। तुमने ठीक कहा बहन, जो सच बात होगी मैं तो वही कहूंगी, अब इसे रहने दो, कल पूरा कर ले। नहीं बहन, आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। और तुम्हें तो मालूम है राजू आ रहा है, उसके आने के बाद मैं ये काम कैसे कर सकती हूँ। धन्य हो, औलाद के लिए क्या क्या दुख उठाए थे तुमने। धन्य तो तुम हो बहन, तुमने मेरी मदद ही नहीं की बल्कि मेरा भेद भी छुपाए रखा। बीमा का रुपया तो पहले खत्म हो चुका था, मेरा मकान गिरवी लेकर तुमने अपने पति तक को नहीं बताया। मेहनत मजदूरी के लिए तुम ही जिद करती रही, वरना मैं तो वैसे ही पैसा देने के लिए तैयार थी। नहीं बहन नहीं, भगवान ने हाथ काम के लिए दिए हैं, अगर ये हाथ एक दफा फैल जाए तो जिंदगी भर फैलते ही रहते हैं। तुम्हें तो मालूम है माँ बाप का किया औलाद पे आता है, भगवान न करे अगर कहीं राजू का हाथ फैल जाता तो मेरी जिंदगी भर की तपस्या बर्बाद हो जाती। राजू भैया पास हो गए।
सारी लिस्ट में फर्स्ट आया है। अच्छा? हाँ, और अखबार में उनका फोटो भी आया है। राजू, राजू तू आ गया बेटे। मुझे रानी बहन के लड़के ने बताया तू पास हो गया, पहला नंबर आया है। क्या हुआ रे, क्या देख रहा है? अरे अरे क्या कर रहा है? राजू, माँ, सुना था माँ भगवान का रूप होती है, आज वो रूप मैंने अपनी आंखों से देख लिया। एक माँ अपनी औलाद के लिए इतनी तपस्या कर सकती है? बेटी, मैंने सब कुछ सुन लिया है माँ, मैंने सब कुछ सुन लिया। कितनी बदनसीब होती होगी वो औलाद जिनके सर पर माँ का साया नहीं होता। माँ जी, ये फूल तो मुरझा जाएंगे, आज अपने शब्दों में से कुछ ऐसे अमर फूल वरदान दे दो माँ जिनसे मेरा जीवन महकता रहे। बेटा, भगवान तुझे सब कुछ दे। माँ, मैं पढ़ी लिखी तो नहीं, तू कहता है तो अपनी अनपढ़ माँ की इतनी सी बात हमेशा याद रखना, जिस बात को दिल और दिमाग चाहे लेकिन आत्मा न चाहे वो कभी नहीं करना। जो आत्मा की आवाज नहीं सुनता वो परमात्मा को खो बैठता है, फिर उसे कुछ भी हासिल नहीं होता, चाहे जीवन भर तलाश करता रहे। मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में, मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में, शीतल छाया तो दुख के जंगल में, मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। राहों के दिल तेरी दो अखियां, तेरी दो अखियां, ओ, 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 मुझे गीता से बड़ी तेरी दो बतियां, तेरी दो बतियां, युग में मिलता, युग में मिलता दो सो मिला है पल में, मेरी दुनिया है मात के आंचल में। ओ, मैंने आंसू भी दिए पर तू रोई ना, पर तू रोई ना, ओ, 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 मेरी निंदिया के लिए बरसो सोई ना, बरसो सोई ना, ममता बाती, ममता बाती रही गम की हलचल में, मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में, शीतल छाया तो दुख के जंगल में, दुनिया है मात के आंचल में।
आपको बड़े साहब ने बुलाया। आपके पेपर्स हैं? जी हाँ। आप ग्रेजुएट हैं? समझ में नहीं आता इतनी बड़ी बड़ी डिग्री आप लोगों को मिल कैसे जाती हैं? इतनी छोटी छोटी गलतियां। याद रखिए, दो बार आपको माफ कर चुका हूं, आइंदा कोई गलती माफ नहीं की जाएगी। इज द लास्ट वार्निंग, ले जाइए। सुनिए, ऑफिस में शेव करके आया कीजिए। अरे क्या अंधेरे में बैठा है, बत्ती का पैसा बचाता है क्या? अरे क्या करेगा, हमने जो एक लड़की को देखता था ऊपर से कुछ दुश्मन डायरेक्ट पानी फेंक दिया। अरे उतर नहीं। अरे तू क्यों सीरियस बैठा है, क्या बात है? अरे बोलो नहीं। क्या बताऊं लच्छू, मैं क्या बनना चाहता था और क्या हो गया, कभी सोचा भी नहीं था दोस्त कि जिंदगी इस कदर धोखा देगी मुझे। और ये क्या हुआ? एक खुशनसीब टाइपिस्ट कम क्लर्क, तनख्वाह 200 रुपए, जो दोस्त कभी बहुत चाहते थे आज तो देख के चाय की प्याली में हटा लेते। बहुत बड़ा हुआ, तुम्हारा नौकरी लगा बहुत गड़बड़ हो गया, तुम एक काम करो ये नौकरी छोड़ दो। मगर दूसरी नौकरी मिलती भी तो नहीं। इसलिए तो कहता हूं, अरे जब तुम नौकर नहीं था तो क्या था? कुछ नहीं। आज नौकरी लगा है तो हिम्मत हार बैठा है। अरे तुम घर में बैठ के बात करता है, जरा बाहर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाओ। लाखों ग्रेजुएट साला साल से जलेबी की तरह क्यू में खड़ा रहता है, फिर भी वरी कुछ नहीं होता। अरे अरे पगले, तुम पेट भर के खाता है, जरा झोपड़े में जाके देखो, आदमी लोग जानवर की तरह गंदी नाली का पानी पी पी कर जीता है, भूखा पैदा होता है भूखा ही मर जाता है। ये ऊपर वाला क्या चक्कर चलाता है? अरे इतना ही दुखी करना था तो इंसान को वरी बनाया काय को? तुमने वो स्टोरी पढ़ा? अरे एक आदमी था, उसके पास जूता नहीं था, रोता था, सर्दी गर्मी में रोता था। एक दिन वरी हंसने लगा, पूछा साईं हंसता काय को? कहता एक आदमी देखा जिसका वरी पांव ही नहीं। अरे ना शुक्र है, भगवान ने तुम्हें सब कुछ दिया है फिर भी रोता है। तुम बड़ी ट्रेजेडी पता क्या है, तुम डायरेक्ट ऊपर छलांग लगाना चाहते हैं नी? अरे खुश रहना है तो अपने से छोटे को देखो। ठहरो, हम तुमको ज्योमेट्री में समझा रहे। ठहरो, ये लकीर है नी, इसको टच किए बगैर बड़ा करो। तुम नहीं कर सकता, हम करते हैं, देखो बड़ा हो गया ना। अरे अपने से छोटे को देखेगा तो ऑटोमेटिकली बड़ा होता है, नहीं नहीं समझा? तुम ठीक कहते हो लच्छू, मगर क्या करूं, मेरा काम में दिल नहीं लगता, बॉस ने मुझे वार्निंग भी दे दी है। अरे काम पे दिल नहीं लगता तो सेठ वार्निंग नहीं देगा तो क्या डार्लिंग देगा है? अरे नौकर मालिक का यही तो झगड़ा है, नौकर 2 रुपया लेता है 1.5 रुपए का काम करता है, तुम 2 रुपया लेकर 5 रुपए का काम करेगा, सेठ क्या गद्दा जो खुशी से तेरे को तड़के नहीं देगा है? अरे आदमी मेहनत से ही बनता है, हमारे बाप को ही देखो, 48 में ट्रेन में 4 आने का रुमाल बेचता था, आज देखो इतना भरा दुकान में हमारा बाप बन के घूमता है। एक बाप तो है। देखो राजकुमार, तुम अपनी मेहनत से यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आया नहीं, क्या वजह है कि अभी तुम मेहनत करेगा तो फर्स्ट नहीं आएगा? अरे देखो तुम खुद कहता था तुम्हारी माँ ने मशीन चला चला के तुमको भरा किया पढ़ाया, अभी तुम तरक्की करेगा मेहनत करेगा माँ को खुश करेगा तभी तो तेरी इज्जत होगा। नहीं नहीं, तुम ठीक कहते हो दोस्त, मैं थोड़ी देर के लिए हिम्मत हार बैठा था। थैंक यू वेरी मच। अरे यू आर ग्रेट, आई लव यू। हम दोनों आपस में प्रॉमिस करता है मेहनत करेगा बहुत बड़ा आदमी बनेगा, प्रॉमिस। आइयो Thank you.
सब जा चुके हैं, तुम गए नहीं? जी कुछ काम ज्यादा था। कल भी तो कर सकते हो। आज का काम कल करूंगा तो फिर कल का काम कब करूंगा? लेकिन इतनी देर तक काम करने का तुम्हें ओवर टाइम तो मिलता नहीं? इज्जत तो मिलती है, फिर आप भी तो इतनी देर तक काम करते रहे। मैं तो कंपनी का मालिक हूं, अगर अपना काम ना करूं तो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे संभाल सकता हूं? मालिक को मालिक रहने के लिए हमेशा दूसरों से ज्यादा काम करना चाहिए, मगर तुम तो जी। मैं शायद आप बनना चाहता हूं। ओ गुड। सर आपका पर्स। चलो ड्राइवर। लो 5,000 रुपया, आज से ये हमारा हो गया। क्यों नहीं क्यों नहीं लच्छू पुटड़ा, इधर आओ नी, आओ नी। एक्सक्यूज मी, पुटरा इनके पांव छुओ। क्यों? अरे बोरी छुओ नी, बहुत गंदे हैं। अरे छुओ जियो पुटरा जियो। नमस्ते। यस यस सर, जस्ट कर साहब। मेरे काम का क्या हुआ? देखिए साहब, मैं आपसे कह चुका हूं कि मैं सजा नहीं कर सकता। एक्सक्यूज। यस सर। इन सप्लाईज का इंतजाम कर दिया? जी। स्टॉक चेकिंग के लिए कोई आदमी रखा है? जी नहीं, हर रोज ऑफिस के बाद मैं खुद जाकर चेकिंग करता हूं। मैं जानता हूं, आजकल तुम पर काम का बोझ कुछ ज्यादा हो गया है। अगर चाहो तो इन सप्लाईज के बाद कुछ दिन छुट्टी पर जा सकते हो। थैंक यू सर। एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। गुड नाइट। टैक्सी। कुमार साहब कहाँ जाना है आपको? मैं जरा इधर जा रहा हूं। आइए, मैं भी सर जा रहा हूं, रास्ते में आपको छोड़ दूंगा। प्लीज कम। शुक्रिया। राजकुमार जी आप बहुत मेहनत करते हैं, माफ कीजिए आपके पास अपनी गाड़ी नहीं? जी नहीं। कमाल है, आप जैसे मेहनती आदमी के पास तो 10-10 गाड़ियां होनी चाहिए। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हो जाएंगी हो जाएंगी। ये रख लीजिए। ये क्या? सिर्फ 10,000। फिर 10 खत के लिए। क्या मतलब? मतलब कुछ नहीं, श्यामला जी का कांटेक्ट मुझे गरीब। ये तो सिर्फ मामूली रकम है, काम हो गया तो गाड़ियां ही गाड़ियां, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। जिस बात को दिल और दिमाग चाहे लेकिन आत्मा न चाहे वो कभी न करना। ड्राइवर गाड़ी रोको। ये क्या? आपको तो आगे जाना था। जी नहीं, मुझे सिर्फ यहीं तक जाना था। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। कपड़ा तैयार है? सब तैयार है, एक ड्रेस रह गया, आज तैयार हो जाएगा। What rubbish! तुमको
मालूम हमको शो के लिए बाहर से जाना है, जैसे भी हो दे दो। आप इतने में दूसरे ड्रेस की ट्रायल कर लीजिए, मैं दूसरे को तैयार करवा देता हूँ, प्लीज। कोई है? जरा इधर आना। बहुत ऊंचा हो गया, किसी बच्चे का वही होगा। अभी मैं मास्टर को बुलाता हूँ। ओह नो, कितना ऊंचा है? ये तो मिनी ड्रेस है। मिनी ड्रेस? और तड़की तो नहीं करेगा? अरे ये जिद नहीं लगता, जरा लगाओ तो। हे, क्या करता है? माफ करना, लाइफ में पहली बार इतना ब्यूटीफुल लड़की देखा, हाथ बड़ी कांपने लगा। मार्वलस, हम पहनाते हैं। थैंक यू। शेर जी, ये आप क्यों कर रहे हैं? तुम इस दुकान का मालिक है? मैं नहीं, मेरा बाप। तो तुम ही तो हुआ? नहीं, वो बोलता था उसके मरने के बाद हम होएंगा। हाउ इनोसेंट। अच्छा मास्टर, हमारे सब ड्रेसेस पैक करके बाहर लाओ, हम इसी ड्रेस में जाते हैं। You're very sweet. अरे क्या हुआ? घबरा, घबरा! अरे जाओ, डॉक्टर बुलाओ। घबराने की कोई बात नहीं, शायद काम का बोझ ज्यादा पड़ गया है। हाँ, मेरा पुतला बहुत काम करता है। आप इन्हें आबो हवा चेंज करने के लिए बाहर भेज दीजिए। जरूर जरूर। पुतला लच्छू, वे लच्छू, क्या हुआ अंकल जी? अरे बेटा बड़ी सकली, ये खड़े खड़े बेहोश हो गया। डॉक्टर बोलता है तो इसको हवा पानी बदली करने के लिए कहीं ले जाओ। आप घबराइए नहीं, मैं अपने गाँव ले जाऊंगा। पहाड़ पहाड़ पहाड़, इसे कहीं पहाड़ ले जाओ, उसके बाद गाँव में लेके जाओ। लच्छू लच्छू, पहाड़ हेलो। ओ हेलो, तुम यहाँ? हम इधर बैठे, आपको खराब तो नहीं लगे? नो नो, प्लीज डू। ओ थैंक यू। तुम किधर जाता है? जिधर तुम जाता है। व्हाट? सच बोलूं? नमस्ते। जब से तुमको वरी देखा है नहीं, बहुत गड़बड़ हो गया। जो कि बंबई से चली जा रहा है। तुम दुकान से बाहर निकला, इधर हम गिर गया। डैडी डॉक्टर बुलाया, डॉक्टर आके हमको इधर देखता था, हम बोला नॉनसेंस, इधर क्या देखता है, वो तो क्या और ले गया नहीं, एक परी ले गया नहीं। तुम कभी बाजार जाता है? बाजार? कभी कभी, कभी वापस वरी घूम के देखा, लोग गिर जाता है ना, इतना ब्यूटीफुल शिकल देख के कौन करवा रह सकता है। कप्तान और बाकी सब कर्मचारियों की और कामना है। हम अपने बाप का, एक बाप का एक ही बेटा है, और तुम? मैं भी एक हूँ। ओह वेरी गुड, तब तो मजा आ गया। अगर तुम हमको अपनाएगा, हम कसम खाता है सारी जिंदगी तुम्हारे कदमों में पड़ा रहेगा। लच्छू क्या करता है? कौन है? राजकुमार। राजकुमार कहाँ के? सीक्रेट सीक्रेट। गुड मॉर्निंग मैडम। हेलो, कम इन। Good morning. Hello, Rita. So you have come? अभी आए, और एक प्रिंस भी आए। Good morning, sir. राजकुमार, हाँ जी, आपका बुकिंग है सर। Boy. Yes, sir. स्वीट नंबर 421, सिग्नेचर प्लीज। हेलो
सॉरी राजकुमार Nonsense. What customer? Good morning, sir. Good morning. मुझे उम्मीद है आपकी स्वीट पसंद आ होगा योर हैनेस. Oh, I'm sorry. I know. I'm the manager of this hotel. My name is Lal. M. Lal. अगर मैनेजमेंट की तरफ से कोई कमी महसूस हो तो आप मुझे किसी वक्त भी याद कर सकते हैं. आई एम ऑलवेज एट योर सर्विस. थैंक यू. अच्छा अब आप आराम कीजिए. एम लाल एट योर सर्विस सर. वो है सब ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है. हाँ ठीक है. इसको रखो. मैनेजर साहब इस टेबल पर कपड़ा रहे हैं. प्रिंस. प्रिंस कहाँ के? सीक्रेट. सामने की टेबल पर कोई प्रिंस आने वाला है मम्मी. दीदी वेलकम योर हेलेन. प्लीज कम. प्लीज वेरी विद कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम द मैनेजर. हाय प्रिंस. अकेले हो?
शादी नहीं की, प्यार भी नहीं। इन्होंने अभी तक प्यार भी नहीं किया। कर ले प्यार कर ले के दिन है ये, पर चोरी से कोई देखे ना कहीं। कर ले प्यार कर ले के दिन है यही, पर चोरी से कोई देखे ना कहीं। अरे पागले नजर मिला जहां मिले तुझे कोई हंसी। कर ले प्यार कर ले के दिन है यही, पर चोरी से कोई देखे ना कहीं। कर ले प्यार कर ले के दिन है यही, पर चोरी से कोई देखे ना कहीं। छूकर भिन शोलों के जलना, आँख में आँखें डाल के कुछ ना कहना और मचलना। अरे हाँ अरे हाँ, आके संभाले कोई तो फिर न संभलना। अरे पगले नजर मिला जहाँ मिले तुझे कोई हंसी। कर ले प्यार कर ले के दिन है यही, पर चोरी से कोई देखे ना कहीं।
मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. साइन प्लीज. क्या 3300? अबे लच्छू के बच्चे, ओ लच्छू, लच्छू तू ऐसे नहीं उठेगा. है ठंडा डालो नहीं, भेजा गरम कर दिया. रात को रोज जमाने के लिए बोलता है वन फॉर रीटा, वन फॉर रीटा. अब ये बिल देख, देख. मेडर क्या हुआ? 33 रुपए. अबे 33 रुपए नहीं, घन चक्कर 3300 रुपए. सारे सफर खा गया. 3300. अरे दो दो फॉर रीटा किया, बिल 3300. हाँ, अब कहां से देगा ये पैसा? किधर से देगा? पर तू इतना गुस्सा काहे को करते हैं? गुस्सा काहे को करता है? ठंडा हो पड़े. वो आइडिया लड़ाने दियो नहीं. हाँ लड़ाओ आइडिया. आइडिया लड़ाने दियो नहीं. ठीक है. वेटर. यस सर. जरा मैनेजर साहब को बुला के लाओ. यस सर. यस सर. व्हाट कैन आई डू फॉर यू सर? यस सर. तुम्हारे होटल में किस किस चीज का सूप सर्व होता है? मटन सूप, चिकन सूप, वेजिटेबल सूप, टोमेटो सूप. हम पूछते हैं तुमने आज हमको किस चीज का सूप सर्व किया? टोमेटो सूप सर. टोमेटो सूप. यस सर. नो सर, नो सर, माय मिस्टेक सर, माय मिस्टेक. माय मिस्टेक. लेडीज एंड जेंटलमैन, फॉर गॉड सेक, फॉर गॉड सेक सर. लोग लाखों रुपया खर्च करके इधर सेहत बनाने को आता है, तुम उनको कॉकरोच का सूप पिला के डायरेक्ट ऊपर भेजना चाहता है? लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ. प्लीज प्लीज. अरे हम सबको ये दिखाएगा, सब लोग ये देखकर घोटल छोड़कर भर जाएगा. फिर कुत्ता लोग इधर डिनर खाएगा, तुम बैंड बजाओगे. लेडीज एंड चुप हो जाए, चुप हो जाए. ऐसे हो जाएगा. हमको अपना इलाज कराने के लिए 10,000 रुपया लगेगा. अच्छा तुम 5,000 लाओ. 5,000? 6,000. ओके. लाना. ये लीजिए सर. पूरे 5,000? यस सर. जो मेरा बिल होगा उसमें 15% मेरा कमीशन. ये क्यों सर? अच्छा माफ की. थैंक यू सर. जय हो महाराज, जय हो महाराज. कृपा है तुम्हारी, महिमा है तुम्हारी. जिधर चाहते हो घुस जाते हो, चलते भी हो बड़ी, उड़ते भी हो. जय हो महाराज. पाकेट से निकला, प्लेट में आया, मैं जो बुलाया बड़ी, दर्शन दिखाया, दक्षिणा लिया, घर में आया. जय हो महाराज, जय हो महाराज. बोले छो, बड़ी पूजा हो रही है, बीच में मत बोलो, उधर जाओ. अरे छोटे हो लेकिन काम बड़े करते हो, मुफ्त में मिलते हो, हजारों दे जाते हो. कौन मिलता है, क्या दे जाता है भाई? बड़ी माल दे जाता है, दौलत. देखो नहीं ये क्या, कहाँ से है? भगवान ने दिया नहीं? कौन से भगवान? अरे डैडी ने. डैडी भगवान में कोई फर्क होता है क्या? अंकल जी ने भेजा. अंकल जी बड़े अच्छा. ये लेके जा रहा है? माफ करना, अपना दोस्त है, इसके सामने बड़ी झूठ नहीं बोल सकता. उनको जॉब लेके भेज दिया, कोई बुकिंग नहीं हमारे पास. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर. ओके.
यही वो घोड़े हैं जिससे जख्मी हुए बगैर कोई नहीं उतरा। टांग वांग टूटने का भी डर है साहब। वो आ गए। नशे में गरीबों गंदा बोलते हैं, ये मत भूलिए, इन्होंने मेरी जान बचाई। आओ राजकुमार, आओ भाई आओ, चलो चलो। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे माफ करना, तुम्हारा नाम पूछा तो भूल ही गया। क्या नाम है तुम्हारा? क्यों? अपनी जान बचाने वाले का नाम भी नहीं पूछ सकता? गौरी। गौरी, बड़ा ही सुंदर नाम है, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। कहाँ रहती हो तुम? ऊपर शिव मंदिर के पास। अरे चलो नी, अरे सर तो पहले ही फट गया, और जख्मी होने का इरादा है क्या? अड़ी हल चिपक ही जाता है, लड़की वैसे कमाल लगती है।
इतनी बड़ी सब कटी किधर से आ गई? ए लच्छू, बस मिला? नहीं डार्लिंग, सारा एरिया छान मारा, कहीं नहीं मिली, मिला। क्या बस खो गया? जी जी, जिधर ये गिरे थे ना उधर ही बड़ी पर्स भी गिरा था। आप कुमार साहब, आपने उस वक्त मेरी बेइज्जती कर दी थी, मगर मैं सच कहती हूँ, उसे लड़की ने निकाला होगा। ठीक ही तो कहती हो, इसलिए तो इतना संभाल के बैठी थी। क्या बहुत ज्यादा पैसे थे उसमें? जी नहीं, पैसे तो खास नहीं थे, मेरी माँ की तस्वीर थी उसमें। देखा कितने कमीने होते हैं ये गरीब लोग, इसलिए तो कहते हैं इनको मुंह नहीं लगाना चाहिए। साहब, आपसे एक पहाड़ी लड़की मिलना चाहती है। तो उसे लायक क्यों नहीं? माफ कीजिएगा, ऐसे लोगों को होटल में आने की इजाजत नहीं। लच्छू, तुम इसे अपने साथ लेकर आओ। अभी लाया बरी। कुमार साहब, ऐसे छोटे लोगों के साथ मिलना जुलना आपकी शान के खिलाफ है। ठीक कहती हूँ, लेकिन उसे यहाँ आने की जरूरत कैसे हुई? आइए, इधर इधर आइए ना। ये आपका बटुआ। पहले चुराया क्यों था जो अब लेके आई हो? आप लोग बाहर जाइए। जी, मैंने कहा आप लोग बाहर जाइए। पर कुमार साहब, मैं कहती हूँ ऐसे गंदे लोगों से। प्लीज गेट आउट। मेरी बात गेट आउट। अरे तुम क्यों रोने लगी? अब मर्द होकर औरतों को डांटते हैं। ओ, मगर तुम नहीं जानती ये अभी अभी तुम्हारे बारे में क्या बोल रही थी। ये दौलत की अंधी तितलियां, इनके दिल में गरीबों के लिए कितनी नफरत है इसका मुझे अंदाजा नहीं था। मगर आप भी तो दौलत वाले हैं। काश मैं दौलत वाला होता। बैठो गौरी, बैठो ना, खड़ी क्यों हो? अरे अरे, यहां नहीं, यहां बैठो। बहुत खूबसूरत औरत के रूप में देवी, जैसे कुदरत ने रूप और पवित्रता समेट कर गौरी बना दी हो। मैं जाऊं बाबू? नहीं गौरी, अभी तो मैंने तुम्हारी हमदर्दियों का शुक्रिया भी अदा नहीं किया। अब आपकी तबीयत कैसी है? अच्छा हूं, बहुत अच्छा हूं। और अच्छा होता भी क्यों नहीं, तुमने प्यार श्रद्धा से पट्टी बांधी थी ना, अच्छा तो होना चाहिए था। गौरी, एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानूंगी, मैं सच कहता हूं, जब से तुम मिली हो मैं तुम्हारे ही बारे में सोच रहा हूं। हां गौरी, ऐसा लगता है जैसे मैं यहां सिर्फ तुम्हारी तलाश में आया था। क्यों किसी गरीब का मजाक उड़ाते हो बाबू? ये मजाक नहीं गौरी, मेरी आत्मा की आवाज है। मैं खुद भी नहीं सोच सकता कि तुम्हारी पहली मुलाकात में मेरी पूजा के सारे फूल कैसे खिल गए। तुमको ऐसी बातें शोभा नहीं देती बाबू, मैं एक मामूली लड़की और तुम इतने बड़े आदमी। मैं बड़ा आदमी नहीं गौरी, हाँ बड़ा बनने की आशा जरूर की है, लिखा हुआ कितना ऊंचा नहीं हो सका जो गरीबों की नजरों में नीचा हो जाता। मैं तो बंबई के रंजीत इंडस्ट्री में एक मामूली मुलाजिम हूँ। हाँ गौरी, मैं सच कहता हूँ, मुझे गलत मत समझो, मैं तुम्हें दिल से प्यार करता हूँ गौरी। मुझे माफ करना। हाँ, ओह, ऐसे जैसे तुम्हारी मर्जी डालें, जैसे तुम्हारी मर्जी। हाँ हाँ, समझ गया, मैं समझ गया। यस, बाय बाय। मिस राजकुमार कब आने वाले? इस महीने के आखिर में सर। कमिंग।
शर्माता है। शर्माता नहीं, घबराता है। तुम्हारे लिए। Oh, how sweet. Thank you so much, Lachchu. Lachchu नहीं, Lachchu. हमने सुना था, God मतलब परमात्मा किसी किसी को डायरेक्ट अपने हाथ से बनाता है। तुमको भी उसने डायरेक्ट बनाया है नहीं? कितना ब्यूटीफुल लेग्स, संगे मरमर की तरह, विस्की का बॉटल लगता है ना? ऐसा मत बोलो, डैडी सुनेगा तो बिगड़ेगा। उसको विस्की बिल्कुल पसंद नहीं है। डैडी? किधर है तुम्हारा डैडी? वो जो वायलिन बजाते हैं। वो तुम्हारा डैडी है क्या? अरे तुम इतना ब्यूटीफुल, वो इतना टेढ़ा, शिकल से तो डाकू लगते नहीं? आई एम सॉरी। किधर जाता है ये, और नहीं करेगा क्या? क्यों, हम सारा दिन करता रहेगा, तुम खड़ो फिर पता चलेगा। क्या पता चलेगा, हम तो वही बचपन से यही करता है। हमारा डैडी है नी, वो दिन में 25 घंटे यही करता है। और हमारा ग्रैंडफादर इसको खींचते खींचते मर गया था। देखो हम कैसा करता है। ग्रैंडफादर याद आ गया, एक बार में ठंडा पड़ गया। अरे रीता, तुम्हारे प्यार में कौन ठंडा नहीं पड़ेगा? प्यार एक ही बार होता है, दिल एक ही बार आता है, और मेरे को मौत भी एक ही बार आने वाला है। मौत का बात कैसे करता? बहुत दर्द होता है। चलो। I'm sorry. बैठो बैठो। रीता, हमको काटो। काटो? क्या हम जानवर हैं? ओह नो नो नो, हम देखना मांगता है, हमको ड्रीम तो नहीं देखता। तुम्हारे जैसा ब्यूटी क्वीन हमको दबाएगा, ऐसा तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। हमको याद आया, हम तुम्हारे वास्ते एक मामूली चीज लाया। आए, आए, देखो हमारा हाथ नहीं जाता, तुम जरा निकालो। कहाँ से? पकड़ में से, दिल के पास से। हम तुम्हारे गले नहीं लग सकता, इसको लगने दिए। Lachchu. Lachchu नहीं, Lachchu. तुम कितना अच्छा है डार्लिंग। कितना खुश नसीब। नहीं, हम खुश नसीब नहीं, बदनसीब है। क्या? पीछे देखो, बाकी बातें बाद में करूंगा। कंची को गला रंगियो, गौरी ये क्या गा रहा है? कह रहा है प्यार अनमोल होता है और समय कभी पलट के नहीं आता। पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना। नैनों ने सपनों की महफिल सजाई है, तुम भी जरूर आना। पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना। मेरी तौबा, मुश्किल था एक तो पहले ही दिल का बहलना। आफत फिर उस पे लट में तुम्हारा मुखड़ा छिपा के चलना। हाय तौबा मेरी तौबा, मुश्किल था एक तो पहले ही दिल का बहलना। आफत फिर उस पे लट में तुम्हारा मुखड़ा छिपा के चलना। ऐसी ना बोलो पड़ जाए मुझको, शर्माना। पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना। हो नैनों ने सपनों की महफिल सजाई है, तुम भी जरूर आना। पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना। दुनिया ना देखे धड़के में
सताओ मुझको बना के दीवाना। पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला फिर से तो फरमाना। नैनों ने सपनों की महफिल सजाई है तुम भी जरूर आना। पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला फिर से तो फरमाना। बच बच के हमसे ओ मतवाली है ये कहाँ का इरादा। नाजुक लबों से फिर करती जाओ मिलने का कोई वादा। बच बच के हमसे ओ मतवाली है ये कहाँ का इरादा। नाजुक लबों से फिर करती जाओ मिलने का कोई वादा। दिल ये मेरा घर है तुम्हारा आ जाना। पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला फिर से तो फरमाना। नैनों ने सपनों की महफिल सजाई है तुम भी जरूर आना। पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला फिर से तो फरमाना। क्या हुआ? देखो तो जरा आगे बढ़ते तो भगवान ना करे। गौरी आज तुमने दोबारा मेरी जान बचाई है। उफ, इतनी खतरनाक जगह है। इसीलिए तो यहाँ कोई नहीं आता, सिर्फ प्रेमी आते हैं मिलने को या हमेशा के लिए बिछड़ जाने को। मैं समझा नहीं। कहते हैं बहुत पहले इस गांव की एक लड़की ने किसी परदेसी से प्यार किया था। वो हर रोज इसी जगह मिला करते थे। एक दिन परदेसी पूर्णमासी के दिन लौट आने का वादा करके चला गया, फिर कभी वापस नहीं आया। जब उसकी जदार बर्दाश्त न कर सकी तो यहां से कूद कर अपनी जान दे दी। उस देवी की याद में हर बरस फागुन की पूर्णमासी के दिन गांव में एक बहुत बड़ा मेला लगता है और उसी दिन हर लड़के की शादी होती है। नए जोड़े देवी की आशीर्वाद लेने यहां आते हैं। बाबूजी तुम तो लौटाओगे ना, मुझे भी उस देवी की तरह। गौरी ऐसा मत कहो, मैंने तुम्हारे प्यार की ज्योत से अपनी जिंदगी का दिया जलाया है। जब ज्योति न रही तो दिया किस काम का। मैं उस देवी के अमर प्रेम की सौगंध खाकर कहता हूं हम जिएंगे तो साथ मरेंगे तो साथ। देखो गौरी भगवान ने भी हमारा प्यार स्वीकार कर लिया। बाबूजी बिंदिया मेरे बापू बहुत गुस्से वाले हैं, जैसे कहे वैसे ही करना। हाँ मेरे साथ आओ। बैठो
गौरी मेरी बेटी नहीं, मेरा जीवन है। अगर किसी ने उसे धोखा दिया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं 3 सवाल पूछता हूं, सोच के जवाब दो। तुम गौरी को चाहते हो? जी। उससे शादी करोगे? जी हाँ। तुम बड़े आदमी हो, अपने बड़े समाज में ले जाके गौरी को तुम अपना जैसा मान दोगे? गौरी उस वक्त आपका जीवन नहीं, मेरी जिंदगी बन चुकी होगी। शाबाश, गौरी तुम्हारी है। तुम बड़े भगवान हो, कल ही फागुन की झुलनी रात है, पूर्णमासी, कल ही गांव के दूसरे जोड़ों के साथ तुम्हारी भी शादी होगी। जी नहीं, मेरी माँ है जो मेरे लिए भगवान है, उनकी आशीर्वाद के बिना मेरी कोई खुशी पूरी नहीं। मैं अगले साल उन्हें अपने साथ लेकर आऊंगा, उनके सामने ही मेरी शादी होगी। तुम धन्य हो, मैं नहीं जानता था कि तुम इतने अच्छे हो। अच्छी औलाद ही अच्छा इंसान होती, जब चाहो शादी करो, गौरी तुम्हारी हो चुकी है। आओ मेरे साथ। Thank you.
है नैनों के काजल ने, पर किया है नैनों के काजल ने, जीवन भर का वादा पल में, मिलन धुन पे थी रखने लगा जिया, आज को जन ली रात माँ, धरती पर है आसमां, कोई रे बन के चांदनी उतरा मन के आंगना, चलता रे तू जान जा, आज को चुन ली रात माँ। बस में नहीं जिया, आज को चुन ली रात माँ, धरती पर है आसमां, कोई रे बन के चांदनी उतरा मन के आंगना, चंदा रे तू जान जा, आज को चुन ली रात माँ। सर्दी लग रही है। आग जला? अभी लकड़ी लेके आता हूं। कौन था? पता नहीं, पहले कभी नहीं देखा। इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा था? शायद तुम्हारी खूबसूरती से यहाँ खींच लाई होगी। चलो यहाँ से। डैडी, ये है लाचू, मिस्टर बागुमाल का लड़का, बागुमाल एंड कंपनी का मालिक। डैडी, हम दोनों शादी करना चाहते हैं। तोड़ दिया, पड़ोस तोड़ता है क्या? डैडी जी, आपका जब बेटा बनूंगा ना, आपको कोई दुख नहीं होगा। ये जो आप बजाता है ना, ये भी बजाना नहीं पड़ेगा, हम रोज बजाएगा। क्यों रीता? हाँ डैडी, लाचू बहुत अच्छा है। लाचू नहीं, लच्छू। डैडी, आप कुछ बोलता क्यों नहीं? इस मामले में हम बाद में बोलेगा। बाद में क्या बोलेगा, आ गई, टाइम एंड पे आ गया है, वही बोलने का चांस निकल गया। तो क्या बकते हो? कुछ गड़बड़ हो गया क्या? रीटा, हम तुम्हारा शादी इस आदमी के साथ नहीं करेंगे। कैसे नहीं करेगा, बाप का राजा क्या? अरे जब लड़का लड़की राजी है, तुम बीच में काजी काय को बनता है? गेट आउट! पागल हो गया क्या? हमको पागल बोला, हम तुम्हारा भूत तोड़े। पहले तार तोड़ा, फिर वायलन तोड़ा, अभी हमारा माथा तोड़ने का प्लान बनाता था, लकीली फेल हो गया। तुम तोड़ू मले क्या? जाता 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 रीता,
आज जब तुम्हारी वजह से हमारा देश भी हुआ ना, लाइफ में कभी नहीं हुआ। हम इधर रहा ना, ये पता नहीं और क्या क्या तोड़ेगा। हम जाता है। ओ लाचू। अब कुछ बोला। डैडी, तुम उसका इतना इंसल्ट क्यों किया? उसको इतना इंसल्ट करके काय को निकाला? हम तुम्हारा शादी उस लोफर के साथ नहीं करेंगे। डैडी वो लोफर नहीं है, डैडी वो अच्छा आदमी है, हमको प्यार करता है। हम तुमको बोला तुम्हारा शादी उसके साथ नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं, क्यों नहीं हो सकता? हम जानता, तुम चाहता है कि हम जिंदगी भर नाच कर तुम्हारे लिए पैसा कमाता रहे। रीता, तुम समझता है कि हम शादी करेंगे तुमको पैसा कुछ नहीं मिलेगा। हमारा पैसा किधर जाता हमको नहीं मालूम। सिर्फ अपना सुख देखता है, सिर्फ अपना सुख देखता है। हमारा मम्मी होता तुम ठीक बोल। हम तुमको कभी नहीं मारा हो, लेकिन आज हमारा हाथ, हम बहुत बुरा हाथ, लेकिन हम तुम्हारे लिए बुरा नहीं। तुम जानना चाहता कि तुम्हारा पैसा किधर जाता, हम बताना, हम तुमको बताना नहीं चाहता था, लेकिन तुम मजबूर करता। तो सुनो, जब हम तुम्हारा मम्मी के साथ शादी बनाया, हम बहुत अमीर होता, हमारा एक म्यूजिक शॉप होता, बहुत मशहूर होता, बहुत आमदनी, आजू बाजू पैसा ही पैसा, दोस्ती दोस्त। हम अपने दोस्तों के साथ शराब पीकर हर रोज देरी से घर जाता। एक रात का बात, हम अपने दोस्तों के साथ पीकर घर पहुंचा। रोजी रोजी हमारे दोस्तों के लिए खाना लाओ। बच्चे को लेके यहां चले जाओ, मैं लाश को संभालता हूं, तुम जाओ यहां से।
उस राज जो घर से भागा फिर कभी वापस ना आ सका। हमारे दोस्त पीटर ने हमारे साथ धोखा किया, हमारा सब पैसा खा गया। तुम्हारा माँ ये दुख बर्दाश्त न कर सका और तुमको 3 साल का हमारे पास छोड़कर गॉड के पास चला गया। हम डायस से अल्बर्ट बना, बड़ा तकलीफ से तुमको बड़ा किया, डांसिंग स्कूल भेजा। तुम फिर पैसा कमाने लगा तो वो बदमाश पीटर फिर आया और इस भेद को अपने पास रखने के लिए और पैसा मांगने लगा। पैसा ना देने पर फांसी का डर बताया। हम मरना चाहता था बेटे, लेकिन हम तुमको किसके भरोसे छोड़कर मरता? हम तुमको एक खूनी का बेटी छोड़कर नहीं मरना चाहता था। बेटी, हमने जो कुछ भी किया तुम्हारे भले के लिए किया, लेकिन आज अगर तुम चाहता कि हमारा फांसी लगने से तुम्हारा अच्छा होता है तो हम आज जाने को तैयार है, अभी जाने को तैयार है। नहीं दादी, दादी नहीं, दादी नहीं, रो मत गौरी। अरे पगली, मैं हमेशा के लिए थोड़ा ही जा रहा हूँ। बाबू, मेरा दिल डर रहा है। अगर तुम पूर्णमासी के दिन नहीं आए तो मैं सती की सौगंध खा चुकी हूँ, मैं सती की गोद में चली जाऊंगी। गौरी ना, गौरी ना, ऐसा नहीं कहते। गौरी, अब तो तुम्हारे बिना एक पल काटना भी मुश्किल हो गया है। मैं माँ को लेकर पूर्णमासी से बहुत पहले चलाऊंगा। बाबू, मेरी माँ नहीं है, अब तुम्हारी माँ ही मेरी माँ है। ये मुझ गरीब की तरफ से उन्हें दे देना। बाबू, तुम्हारा दोस्त बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, कहता है कि समय हो गया। राजकुमार, तुम्हारा चक्कर तो चल गया, मेरा क्या होएगा? मेरे लिए तो लड़की का बाप विलन बन गया। नहीं, मैं तो कुंवारा ही मर जाने वाला हूँ। ऐसी क्या बात करता है यार, मेरे जब तक तेरी शादी नहीं होगी ना, तेरे यार की भी शादी नहीं। प्रॉमिस प्रॉमिस। माँ माँ, क्यों रे, तू तो परसों आने वाला था। माँ, कुछ देर हो गई, पहाड़ पर दिल लग गया था। हाँ, दिल तो लग ही गया था। माँ माँ, इधर बैठ। अरे अरे बैठ ना, तेरे लिए एक बड़ी खूबसूरत चीज लाया, किसी ने बड़े प्यार से तुम्हारे लिए शाल भेजी है। माँ, माँ मुझे माफ कर देना, मैं तो भूल ही गया था। जिसका बेटा जवान होता है वो माँ विधवा नहीं होती। चल मुँह हाथ धो ले, मैं खाना लगाती हूँ। मेरी माँ। चल बेटे चल। अरे मैं सुबह से कुत्ते की तरह भौंक रहा हूँ और तुम बोलता ही नहीं, तुम शादी करने से क्यों इनकार करता है? अरे माँ बाप की एक ही लड़की है और 3 लाख रुपया अभी देता है, और पीछू उसके दुकान और हमारे दुकान पर एक ही बोर्ड लगेगा, लच्छू एंड ब्रदर्स। और ये ब्रदर वरी कहां से लाऊं, तू तो अकेला है। लच्छू एंड सन्स। सन्स वरी किधर से आएगा? अरे शादी के पीछू आएगा नहीं, अभी चल के लड़की देखो। हम बोला नहीं, हम लड़की देखने नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? डैडी, हम तुमको बोला हमको उस लड़की से प्यार नहीं है। और ये गद्दे का बच्चा प्यार करने को कौन बोलता है, हम तो शादी करने को बोलता है। शादी ना हुआ, कोई बिल्डिंग खरीदना हुआ, तुम हमको रेस का घोड़ा समझते क्या? हम बोल दिया ना हम नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। कैसा नहीं जाएगा, तुम्हारा बाप भी जाएगा। अब बाप को भी कौन रोकता है, जाओ नहीं देखता हूँ कैसे नहीं जाएगा। डैडी तुम नाई है क्या? क्या बोला? डैडी नाई बाल पकड़ता है, तुम बाल चोर के हाथ पकड़ो अब जाता है। चलो शाबाश पुटरा, सुठो कपड़ा पहनो, खूबसूरत बनो, हैंसम बन के चलो। हाँ
आओ साई आओ राधे खुशी रात चला वाला हम तो तुम्हारा सुख से रास्ता देखता है आओ बेटा आओ आओ परमात्मा तुमको सुखी रखे आओ बेटा तुम आप जान क्या है आओ बैठो 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 तो हमारा घर में आया है हमारा नसीब जाग गया जाओ नहीं कुछ खाने पीने को लाओ नहीं काम नहीं लाती है काम नहीं लाती है बगुमल जी काम नहीं लाखों में एक है तंदुरुस्ती में नंबर वन पढ़ाई में नंबर वन खेलने में नंबर वन फुटबॉल खेलती है गोलकीपर थी नहीं टेनिस भी खेलती है छे छे बाल रखना पड़ता है वो क्यों उड़ जाता है नहीं बाल का पता ही नहीं चलता तंदुरुस्ती है नहीं और डांस करती है मोहल्ला हिला देती है जब डांस इधर करती है तो सारा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है राजू से तो सुना पुटरा सुना दैदी कामनी वो कामनी बगुमल जी मैं एक बात बोलना भूल गया था मेरी कामनी ऐसा गाती है ऐसा सरगम लगाती है गाऊं डैडी अभी नहीं बेटा अभी नहीं बगुमल जी हम लोग बच्चों में बैठ के क्या करेगा चलो नहीं अंदर चलते हैं तुम यहां बैठो ये लड्डू मैंने अपने हाथ से बनाए हैं असली घी के हैं वही घी जो आप खाते हैं खाओ नी खाओ नी हमारी तुम्हारी जोड़ी कितनी अच्छी रहेगी क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ बोलो नी बड़ी बोलो क्या हुआ डैडी मम्मी देखो नी झटका खाता है मम्मी देखो नी क्या हो गया झटके खाता है क्या हुआ गले में लड्डू अटक गया पानी लाओ नी पानी 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 लड्डू क्या थी मुसीबत में अब कैसी तबीयत है क्या हुआ 900 किलो 900 किलो 900 किलो अरे तुम्हारा पाँव मेरे पाँव के ऊपर अरे पुटरा अरे पुटरा अरे पुटरा निकल जाए कौन सा नए सुपरिटेंडेंट सुना है बहुत एक्सपीरियंस आदमी है कब आए कल ऑफिस कब ज्वाइन करने वाले थे 30 तारीख को और आज 3 तारीख हो चुकी है बॉस का डिसिप्लिन तो आपको मालूम ही है मुझे कुछ गड़बड़ मालूम होती है आप खुद बॉस से जाकर बात कर लीजिए गुड मॉर्निंग सर आज क्या तारीख है आई एम सॉरी सर मिस्टर राज कुमार का लेटर मेरे ख्याल में अब तक तुम जिस कुर्सी पर बैठे थे तुम उसके लायक नहीं हो इसलिए तुम्हें उस नौकरी से अलग किया जाता है कैप्टन मिस्टर राजकुमार मुझे तुम्हारी गैरहाजिरी पर बहुत गुस्सा आ रहा था इतनी बड़ी तरक्की तुम्हारा इंतजार कर रही हो तुम्हारा कुछ पता ही नहीं मैं सोच रहा था कहां है वो बेवकूफ जिसने एक बार कहा था मैं आप बनना चाहता हूं सर आपने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया अपनी इस कंपनी का मैनेजर
तुम्हारी ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई तुम्हें यहाँ ले आई है। मुझे मालूम है तुम्हें 10,000 रुपए की रिश्वत देने की कोशिश की गई थी, लेकिन तुमने उसे ठुकरा दिया। आज तुम्हें उसका फल मिल रहा है। जाओ, तुम्हें ये नया अहदा भी मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच सर। याद रखो, तरक्की की कोई हद नहीं होती। थैंक यू सर। Waiting for your early favorable reply. Yours faithfully. Got it? आपने मुझे याद किया? Oh yes. आओ मेरे साथ। तुमने इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी का नाम तो सुना होगा। जी हाँ। वो कंपनी बिक रही है, मैं उसे खरीदना चाहता हूं, लेकिन अगर कंपनी वालों को पता चल गया कि मैं खरीद रहा हूं तो वो दाम बढ़ा देंगे। जैसा हो तो सकता है, इसलिए मैं ये कंपनी तुम्हारे नाम से खरीदना चाहता हूं। खरीदारी के तमाम कागजात तुम्हारे नाम से तैयार किए जाएंगे। जी। तुम उन लोगों से जाकर मिलो और अपनी तरफ से बातचीत करो। आपको मुझ पर इतना भरोसा है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी इज्जत है। मैं आपके इस एतबार को हमेशा कायम रखूंगा। गुड, थैंक यू सर। हाँ, एक बात और, अगर ये सौदा ठीक से तय हो गया तो तुम इस कंपनी में 4 आने के पार्टनर हो जाओगे। विश यू गुड लक। थैंक यू वेरी मच सर। तुमने वाकई बड़ी समझदारी से काम किया है। आज से तुम मेरे मुलाजिम नहीं, मेरे पार्टनर हो। यस, सब कुछ रेडी है सर। ओके, और तुम एक चीज दिखाऊं। कम, सर ये पेपर साइन करने के लिए रह गए हैं। आज से दस्तक मिस्टर राजकुमार के चले गए। यस सर। राजकुमार, आइंदा ख्याल रखना, बगैर पढ़े कभी किसी कागज पर दस्तखत नहीं करना चाहिए। गाड़ी तुम्हें कैसी लगती है? जी बड़ी खूबसूरत है, आपके लायक। नहीं, तुम्हारे लायक। जी। रंजीत राय के पार्टनर को भी वही सहूलतें मिलनी चाहिए जो रंजीत राय को हासिल है। हेलो, देखो आज से तुम अपने उस पुराने मकान में नहीं रहोगे, बल्कि इस बंगले में रहोगे। नमस्ते बाबू जी। पाए लागू माता जी, ये रामदास है। हाँ मां जी, सच कहता हूं, एक हाथी के बच्चे से मेरी शादी करवा रहा है, और वो भी सिर्फ पैसे के लिए। मां जी, इंसान को बड़ी ज्यादा पैसा क्यों चाहिए? बेटा पैसा एक शक्ति है, लोभी लोगों को पैसा बढ़ाने से और शक्ति मिलती है। नहीं मां जी नहीं, पैसे से बड़ी दो ही चीजें मिलती हैं,
एक बीमारी, दूसरे बदमाशी। माफ करना माँ जी, इधर ज्यादा पैसा हुआ, उधर डॉक्टर घर में बोलेगा आधी रोटी खाओ और 9 गोलियां खाओ। अगर कहीं इससे बचाव हो गया तो इंसान हर शाम को बुराई की तरफ भागता है। कोई गलत बोल गया क्या? बाप, मेरा बाप इधर भी आ गया। माफ करना मुझे, इसको नहीं बताना। इतने सेठ जी आप आइए आइए। सेठ जी, ये मेरी माँ है, माँ ये हमारे सेठ जी। आपकी तारीफ तो मैं राजू के मुंह से कई बार सुन चुकी हूँ, लेकिन आज आप जैसे महान पुरुष के दर्शन भी कर लिए। मैं इतनी तारीफ के काबिल नहीं हूँ। आप लोग खुद अच्छे हैं इसलिए सबको अच्छा समझता हूँ। नहीं नहीं, आपने हमारे लिए जो कुछ किया है ये हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। आदमी बहुत मतलबी होता है, जो कुछ करता है अपने मतलब के लिए करता है। एक परमात्मा है जो बिना किसी लालच के सबका अच्छा करता है। कितने ऊंचे विचार हैं आपके। आप धन्य हैं। पधारिए, मैं आपके लिए कुछ लाती हूं। जी नहीं, रहने दीजिए। दरअसल आज मैं आपकी सेवा में इसलिए हाजिर हुआ था कि मेरी लड़की मधु बहुत दिनों से पढ़ाई के लिए हिंदुस्तान से बाहर गई हुई थी, कल ही वापस आई है। मैं उसके आने की खुशी में एक पार्टी दे रहा हूँ, आप दोनों को आना ही पड़ेगा। मैं इस उम्र में पार्टी में आकर क्या करूंगी। मैं घर में बैठकर प्रार्थना करूंगी भगवान बच्चे को सदा सुखी रखे। राजू जरूर आएगा। अच्छा, तो फिर आगे दीजिए, मुझे 2-1 जगह और जाना है। मगर सेठ जी, कुछ चाय पानी कुछ? फिर आ जाऊंगा। राजकुमार, क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। पद्मा, मधु अभी तक नहीं है, क्या बात? अभी आ रही है, वो आ गई। I'm sorry पापा, थोड़ी देर हो गई। That's all right. ये है मिस्टर ग्रोवर, मिस्टर सेटना, और ये है मेरे बचपन के दोस्त मिस्टर चौधरी। हेलो बेटी। मगर मिलते हैं 10 बरस में एक बार। बेटी, इन्हें पहचाना? तू भी आंटी? उस वक्त वो बहुत छोटी थी, बिल्कुल अपनी माँ जैसी। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। ओ, गुरुजी आ गए। मधु, श्री गुरु विद्यासागर, संगीत सम्राट, अपनी कला से सारी दुनिया जीते हुए। इनको कौन नहीं जानता डैडी, हिंदुस्तान से दूर रहते हुए भी इनकी कला ने मुझे हमेशा हिंदुस्तान के करीब रखा। और ये उनकी शिष्या कुमारी रूपाली, नृत्य की माहिर। ओ अंकल, आप नहीं जानते, जब हम यूरोप के टूर में फरवरी में गए थे ना, तो महीनों साथ रहते थे, कितनी बर्फ थी ना वहाँ। अच्छा, ये मिस्टर वेंकट रामन, हमारी एयर कंपनी के मैनेजर, उनके साथी। बेटी, ये मेरे पार्टनर मिस्टर राजकुमार, दयानतदार, मेहनती, बहुत अच्छे आदमी। मिस्टर राजकुमार जी, प्लीज टू मीट यू। मिस्टर रॉबर्ट, मिसेस रॉबर्ट। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको सुनकर खुशी होगी कि गुरु विद्यासागर जी अब अपनी कला पेश करेंगे और कुमारी रूपाली नृत्य में उनका साथ देंगी। रुकी पर
पलक है, जहां जहां देखेगा तू वहीं झलक है। खोई खोई कर जिसे वो है तुझ में कहीं दीवाने, तेरे नैना तलाश कर जिसे वो है तुझ में कहीं दीवाने, तेरे यहाँ दो रूप है हर एक के, यहाँ नजदे उठा नजर देख के, जब उसकी मोहब्बत में गुम है तू वही सूरत नजर आएगी चार सू, कौन क्या है मन के सिवा ये कोई क्या जाने, तेरे नैना तलाश कर जिसे वो है तुझ में कहीं दीवाने, तेरे नैना ये जवान रात लेके तेरा नाम कहे हाथ बढ़ा कोई हाथ थाम, ये जवान रात लेके तेरा नाम कहे हाथ बढ़ा कोई हाथ थाम, ये जवान रात काली अलका के बादल में बिजलियां को भी बाहों में चाहत की अंगड़ाइयां, जो अदा है इशारा है प्यार का ओ दीवाने तुझे चाहिए और क्या, रुक जा मन की सदा भी सुन दीवाने, तेरे नैना तलाश कर जिसे वो है तुझ में कहीं दीवाने, तेरे नैना स्मार्ट, खुद हीरो बनता था मुझे विलन बनाता था, बचपन से ही एक्टिंग इसकी हॉबी रही। Yes, I know. Oh, we must go now. Yes, yes, we go. Okay, let's go. Everybody seems to have gone now. Thank you. Good night. Oh, तुम लोग जा रहे हो? Sir, it's getting too late. Oh no. It was a lovely evening. Thank you. Thank you, my dear. Good night. खूब खाना खाया और आ गया. विलन. Thank you. Bye. See you. अब मुझे भी इजाजत दीजिए। नहीं, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। डैडी?
मैं जरा चेंज करके आती हूँ। ओके मिस्टर राजकुमार जी, आज मेरे यहाँ कितने मेहमान आए, कितनी चहल पहल हुई, कितना खुश हूं मैं। लेकिन मिस्टर राजकुमार, हर खुशी अपने पीछे गम की एक हल्की सी लकीर भी छोड़ जाती है। मैं सोच रहा हूं किसी ना किसी दिन मधु भी इस घर से मेहमान की तरह चली जाएगी। प्लीज सिट डाउन। थैंक यू मिस्टर राजकुमार। ओह नो, प्लीज एक्सक्यूज मी। हेलो, हैं? कब? कैसे? ओह माय गॉड, कहां पर? हाँ अच्छा, मैं अब आता हूँ। मिस्टर राजकुमार जी, मेरे एक दोस्त हैं, उन्हें अचानक हार्ट अटैक हो गया है, करीब ही रहते हैं, बहुत शराब पीते थे, मैं उन्हें देखकर भी आता हूँ। बेटी इनका ख्याल रखना, प्लीज डोंट गो। बेटी इनको जाने नहीं देना, मैं जल्दी आ जाऊंगा। बैठिए। सिगरेट? थैंक यू। सुलगाइए ना जी। जी बात में अच्छी बात है, आप यहीं के रहने वाले हैं? जी जी नहीं, यहां से कुछ दूर एक गांव है। बॉम्बे कितना बदल गया है, आप कभी हिंदुस्तान से बाहर गए हैं? जी नहीं, मैं तो बचपन से ही बाहर रही। जब मैं 10 बरस की थी, डैडी ने मुझे पढ़ाई के लिए बाहर भेजा था। ठहरिए, मैं आपको अपनी एल्बम दिखाती हूँ। यह है मेरी मम्मी और ये है डैडी और ये मैं हूं। बचपन से ही कारों का बहुत शौक था। जब मैं 3 बरस की थी, मेरी मम्मी इस दुनिया से चली गई, जब मेरी डैडी ही मेरे लिए सब कुछ थे। जब मैं पहली बार हिंदुस्तान से बाहर गई, ये है मेरी स्कूल टीचर मिस हार्टले, मुझसे बहुत प्यार करती थी। ये जब मैं ग्रेजुएट हुई, ये यहां आने से पहले पिछले फरवरी में जब मैंने यूरोप में कार रेस जीती, कितना लकी दिन था। ये रहा वो कप। मुझे अलग अलग ड्रेसों का बहुत शौक है। ये है हंगेरियन। अरे आप तो बोर हो रहे हैं जी, माफ कीजिएगा, चलिए बाहर चले। आप तो बहुत कम बात करते हैं जी। नहीं तो डैडी आपकी बहुत तारीफ करते हैं। वो तो देवता है। कौन देवता? आप ही के बारे में कह रहे थे। वो बच गया, आप कभी शराब नहीं पिएगा। बेटी मिस्टर राजकुमार नेक और दयानतदार ही नहीं, खूबसूरत भी। क्यों जी? अब मैं चलता हूं। हाँ
बात हम कल कर लेंगे। आप तकलीफ न करें, मैं चला जाऊं। ओ बाहर तक तो आओ, अबे कीजिएगा, मैं दो दिन के लिए जरूरी काम से बाहर जाना चाहता हूं, कल आपसे नहीं मिल सकूंगा। ओ, ओके, दो दिन बाद सही। थैंक यू। इंतजार में मेरी यादों की लकीरें हैं जो दिल से दीवार पर आ गई हैं। 160 दिन जैसे तुम्हारे इंतजार में कई युग बीत गए बाबू। बाबू बेटी, तेरा प्यार धन है, छह दिन से दिन रात में याद कर रही थी, तुम्हारा ही नाम जप रही थी। अब तो खुश होना बेटी। बाबू, ए बेटी, ए बाबू को कुछ खाने पीने के लिए पूछा या नहीं? अभी लाती हूँ। आओ बाबू आओ। क्या सोच रहे हो बाबू? कुछ नहीं गौरी, तुम यहां कब से हो? जब मैं छोटी सी थी तो बापू यहां ले आए थे, वैसे हम पहाड़ के उस तरफ के रहने वाले हैं। तुम्हारा कोई भाई बहन? बापू और तुम्हारे सिवा मेरा और कोई नहीं। जानते हो बाबू, तुम्हारे चले जाने के बाद गांव की लड़कियां मुझे क्या कहती थी? क्या कहती थी? कहती थी तेरा परदेसी अब कभी नहीं आएगा। और तुमने क्या जवाब दिया? आई है रे हमने कसम, संग रहने की, आएगा रे उड़ के मेरा हंस परदेसी, खाई है रे हमने कसम संग रहने की, आएगा रे उड़ के मेरा हंस परदेसी। Thank you.
गाड़ी आ गई। मुझे जाना होगा गौरी। इतनी जल्दी? हाँ गौरी, मैं सिर्फ तुम्हें देखने के लिए दो दिन की छुट्टी लेकर आया था। मेरा पहुंचना बहुत जरूरी है। बाबू, याद है ना, पूर्णमासी से कुछ दिन पहले माता जी को लेकर आना है। याद है गौरी। सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? डैडी, राजकुमार सब चार दिन से आए हुए हैं। मैं उनसे और उनकी माँ जी से मिलकर आती हूँ। अरे हाँ, ये बताना तो मैं भूल ही गई। तेरे बाहर जाने के बाद सेठ जी की बेटी मधु का रोज फोन आता था, पूछती थी आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं। बड़ी अच्छी लड़की है। राजू, जब तू यहां नहीं होता तो ये घर सूना सूना लगता है। अब तू बहू ले आ। मैं अंदर आ सकती हूँ? नमस्ते। अरे आओ बेटी, आओ, ये तुम्हारा ही घर है। हेलो, बैठो। हेलो, बैठो बेटी, खाना खाओ। भूख तो बिल्कुल नहीं माँ जी, लेकिन आपकी बात टाल नहीं सकती। मैं और लाती हूँ। नहीं मां जी, बस आपकी बात रख ली। अरे आप क्यों उठ गए? मैं खा चुका। थैंक यू। मां जी, एक जरूरी काम के लिए मैं राज साहब को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ, अगर आप इजाजत दें तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ठहरो बेटे, मैं कोट लाती हूँ। लो बेटे, कोट पहन लो, लो ना। अच्छा माँ जी, नमस्ते।
आइए। लाइए कोट दीजिए। बैठी बैठिए ना, मैं अभी आई। ज्यादा बातें करने वाले मुझे बहुत पसंद थे, लेकिन यहाँ आकर न जाने मुझे खामोशी क्यों पसंद है। शर्मिया की मालिक, अरे भाई मालिक कैसे बन गई?
अभी तो शादी भी नहीं हुई है। मैं समझता था मेरा पुत्रा मालिक बनेगा और तुम बोलते हैं तुम्हारी बेटी मालिक बनेगी। अरे मेरा मत्था भी तो कितना खराब हो गया था। ले जाओ इस इंजन को बाहर, जिसको देखकर मेरा पुत्रा पटरी से उतर गया। ये अब यहाँ से नहीं जाएगी, ये इधर ही रहेगी। 5000 क्या है? चलो बेटा बैठो, चलो इधर बैठो, पैसा लेकर बोलता है चले जाओ। अरे पैसा तुमने दुकान पे दिया था, घर पे नहीं दुकान से आके ले जाना। भिखारी कहीं का, बड़ी हमको भिखारी बोलता है। अपना वक्त भूल गया जब लोकल ट्रेन के अंदर 1 रुपए का 4 रुमाल बेचता था, अब लखपति बन गया है। और ये तुम बड़ी किधर का मुगले आजम था, एक आने की चार कम की बेचता था। अब तुम्हारी ये जुरत जो मेरे सामने खड़ा होकर बात करता है, और तुम्हारी ये जुरत जो मेरे साथ बात करता है। जाने दो, झगड़ा मत करो डैडी। तुम हटो पीछे। मेरी टेबल पर पहाड़ गिर गया, मेरा 5000 रुपए का नुकसान हो गया। अबे जा जा चोर कहीं का, चोर बाजार से 25 रुपए का लाया बोलता है 5000 का। हमारा माल एडजस्ट करता है क्या? निकल जा यहाँ से। मैं दरियादार का कसम खा के बोलता हूँ, तुम्हें गोली छोड़ा दूंगा। कहा मेरा पिस्टल, मैं मार डालूंगा। डैडी गोल हो जाओ, नहीं तो गोली मार देगा। चलो नहीं, चलो डैडी देखो हंसता। अरे चलो डैडी की बच्ची, मैं तुम्हारे लिए चूड़ी कहां से लाऊं? इधर गया था कुमार का बच्चा, भाग गया। बेटा मेरा क्या सनम, मेरी खुशी है तुम्हारी। अरे हंसते हो जब तुम, मुस्कुराती हूँ मैं। अरे पीते हो जब तुम, डगमगाती हूँ मैं। मेरा क्या सनम, मेरी खुशी है तुम्हारी। अरे हंसते हो जब तुम, मुस्कुराती हूँ मैं। अरे पीते हो जब तुम, डगमगाती हूँ मैं। तुमसे ही काम, अरे होए तुमसे ही जुल्फों की शाम। अरे तुम पे गोरी बाहों के निगाहों के खजाने लुटाती हूँ मैं। दिल को है तुमसे ही काम, अरे होए तुमसे ही जुल्फों की शाम। अरे तुम पे गोरी बाहों के निगाहों के खजाने लुटाती हूँ मैं। मेरा क्या सनम, मेरी खुशी है तुम्हारी। अरे हंसते हो जब तुम, मुस्कुराती हूँ मैं। अरे पीते हो जब तुम, डगमगाती हूँ मैं। अरे होए रोशनी करती हूँ जल की। अरे जो मिलते नहीं तारे, तो अंगारों से तन को सजाती हूँ मैं। हुस्न की आग में पल के, अरे होए रोशनी करती हूँ जल के। अरे जो मिलते नहीं तारे, तो अंगारों से तन को सजाती हूँ मैं। मेरा क्या सनम, मेरी खुशी है
अरे हंसते हो जब तुम, मुस्कुराती हूँ मैं, और अरे पीते हो जब तुम, डगमगाती हूँ मैं। गली गली लिए तेरा प्यार, अरे हे कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे यार, बड़ी मुश्किल से तुझे पाया मेरी जान, अब न कहना के जाती हूँ मैं, गली गली लिए तेरा प्यार, अरे हे कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे यार, बड़ी मुश्किल से तुझे पाया मेरी जान, अब न कहना के जाती हूँ मैं हे 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 मुस्कुराती हूँ मैं, अरे पीते हो जब तुम, डगमगाती हूँ मैं, हंसते हो जब तुम, मुस्कुराती हूँ मैं, अरे पीते हो जब तुम, डगमगाती। रीता क्या हुआ, क्या बात है डार्लिंग? कुछ नहीं लाचू, प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ, तुमको यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों बात करते हैं डार्लिंग, हम तुमको कितना मुश्किल से इधर ढूंढा, तुम्हारे लिए गली देखा, बाजार देखा, शहर देखा, पहाड़ देखा, लकली अखबार देखा, तुम्हारा फोटो देख के इधर आए। डार्लिंग तुम हमसे नफरत करते हैं? ओ नो लाचो। तो फिर क्या बात है डार्लिंग? डार्लिंग हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। नहीं लाचो, हमारा तुम्हारा शादी नहीं हो सकता। ये क्या बात करते हैं, कैसे नहीं हो सकता? हम बहुत ट्रबल में है लाचो। ट्रबल में? कैसा ट्रबल, हमको बोलो नहीं डार्लिंग। 1,00,000 रुपए चाहिए। लाख रुपए चाहिए? किसको? डैडी को। तुम्हारे डैडी को भी रुपया चाहिए? तुम्हारा डैडी मेरे डैडी के साथ पढ़ता रहा है क्या? लाचो तुम इधर मत आया करो, हमसे घर पे मिलना। ये है मेरा एड्रेस। आपने मुझे याद किया? हाँ, तुमने ये नया बजट देखा है? जी हाँ। क्या हमारा दिल्ली जाना जरूरी नहीं? जरूरी तो है। तो मैं आज अपने प्लेन से चला जाता हूँ। कल बजट पर आखिरी बहस है और आज शाम की और कल की अपॉइंटमेंट्स तुम हैंडल कर लेना। ओफो, क्या हुआ सर? बहुत दिनों से मैंने आज मधु के साथ पिक्चर जाने का वादा किया हुआ था, वो बहुत फील करेगी। अब तुम ही मेरी मदद कर सकते हो, उसके साथ तुम चले जाओ। टिकट्स। रामदास जी। माजी राजू नहीं आया? नहीं माजी। कहाँ गया वो? पता नहीं माजी। अच्छा मैं चलता हूं। आप अजीब हैं, मुझे ऊपर तक छोड़ने नहीं आएंगे? आइए ना, थोड़ी देर के लिए।
बैठिए प्लीज। क्या देख रहे हैं आप? जिंदा नहीं रह सकती। हमको छोड़कर चली गई।
जिस बात को दिल और दिमाग चाहे लेकिन आत्मा न चाहे वो कभी न करना। तुझे कैसे मालूम हुआ कि मैंने तुम्हें धोखा दिया? तुम्हें कैसे मालूम हुआ माँ? तुझे कैसे मालूम हुआ माँ? मैंने तुम्हें मार डाला था माँ। धोखे की ये चरण तेरे माँ, ये चरण तेरे माँ। ओ ओ देवता प्याला ली दर पे खड़े माँ, दर पे खड़े माँ। अमृत समता ओ अमृत समता है इसी गंगा जल में, मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। शीतल छाया तो दुख के जंगल में, मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। सब्र करो, रोने से जाने वालों की आत्मा को शांति नहीं मिलती, उनके अच्छे आदर्शों को अपनाने से उन्हें शांति मिलती है। धीरे रुको, मुझे माफ नहीं करेगा, तुम्हें माफ कर देगा। जिसने अपने दोस्त का खून किया, उसकी बीवी को विडो बनाया, अपना नाम बदलकर पुलिस को धोखा देकर छुपता रहा, गॉड तुम्हें जरूर माफ करेगा। मिस्टर डायस उर्फ एल्बर्ट, मैंने बरसों तक तुम्हारे गुनाहों का बोझ अपने सीने पर रखकर तुमको जिंदा रहने का मौका दिया। आज हम तुमको आखिरी बार बोलते हैं, या तो अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो और या 1,00,000 रुपया दे दो, नहीं तो मुझको पुलिस स्टेशन जाकर सिर्फ 2 लफ्ज बोलने की इजाजत दे दो। डैडी, मैं अंदर आ सकता हूं क्या? डैडी, आप अभी तक हमारे साथ नाराज है क्या? Oh, thank you very much, Daddy. Your God, your angel, your purista. And ये कौन है? घर में सफाई करने वाला लगता है। बाहर जाने, अंदर क्या करता है? ये हमारा दोस्त है। दोस्त? ऐसा बोगस शिकल और दोस्त? कितना वो आता है? ना आता नहीं क्या? चली आया क्या? अरे देखता क्या भिखारी? दाढ़ी भी नहीं बनाया। लो हमारे से पैसा लियो। ये लो चारा ना। दाढ़ी तो 30 पैसे बनते नहीं। लो बाकी छुटा नहीं, बाद में देगा। रीता रीता, how are you? डैडी, आपने अगर हमको बेटा बनाया नहीं, हम प्रॉमिस करता है हम रीता को फूल बनाकर अपने सर पे रखेगा, आपको भी अपने सर पे रखेगा। आपका वजन ज्यादा तो नहीं? अरे क्या हुआ डार्लिंग, अब काय कौन होता है? अब तो डैडी ने भी परमिशन दे दिया। नहीं नहीं लाचू, हम तुमको बोला ना
जब तक 1,00,000 रुपया नहीं मिलेंगे हम तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। बस इतना सा बाप के लिए इतना बड़ी रोता है? अरे अरे हम मर गए क्या? अरे देखो अरे डार्लिंग, तुम्हारा एक एक आंसू हमारे लिए 1,00,000 रुपए के बराबर है। कितना पैसा चाहिए? 1,00,000 रुपया चाहिए? नहीं, हम कल लाके देता है। अभी मुस्कुराओ। अरे माँ डार्लिंग, डैडी डोंट वरी, हम कल 1,00,000 रुपया लाएगा। डैडी अरे अब खाने लग गया? बाप का माल है क्या? डैडी कल से दरवाजा बंद रखो, कुत्ता लोग घर में घुसाता है। मिस्टर डायस, छोकरा हमको गाली तो बहुत दिया लेकिन 1,00,000 रुपए लाने को बोल गया है। हम कल आएगा। गुड लक। शिकल देखने को तरफ गया था और वो बेटा आप भी तो तड़पता था, सारी रात नींद नहीं आता था और तुम आराम से बैठो। नहीं डैडी, आज आराम से बैठने का दिन नहीं, आज खड़े होकर मेरे दिल से लड़ो। खड़ा हो के क्यों? अरे डैडी आज जरा ज्यादा शांति चाहिए। अरे डैडी, अरे डैडी, अरे बहुत गले से लगाया, तब छोड़ो ना। नहीं डैडी, अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ। बेटा सब काम तुम्हारी मर्जी से होगा, मैं तुम्हारी शादी उस मोटी से नहीं करूंगा। वो इंजन को यहाँ लाया था घर की मालकिन बनाने, मैंने उसे घर से निकाल दिया। अरे डैडी तुम कितना अच्छा है। डैडी फिर हम सारा कमाई तेरे को दे दो। कमाई? हाँ डैडी, हमने अपने दोस्त राजकुमार के साथ, राजकुमार हाँ, उसके साथ मिलकर एक धंधा किया। हाँ डैडी, उसने से बहुत पैसा कमाया। कितना है पैसा? पहले डैडी, अरे दौलत तिजोरी में और औरत घर में रखना चाहिए। कितना है पैसा? आओ डैडी, आओ मैं तेरे को देता हूँ। अरे डैडी इधर भी, डैडी उधर, इस दरवाजे से डैडी इधर, मेरे को देखो। आओ डैडी, आओ डैडी, तुम इधर खड़ा रहो, हम अभी पैसा लेके आता है। मुझे पुटड़ा डैडी। कितना अच्छा है मेरा पुटड़ा लच्छू, हम उसको कितना गलत समझा था, तुम्हारी कृपा है दरियालाल। और उसको दोस्त दिया तो कितना अच्छा दिया। डैडी ये लो पैसा संभालो। डैडी मेरे को जरा काम है, मैं बाद में आऊंगा। बड़ी और लाने को जाता है क्या? डैडी वो बाद में पता चलेगा। जरा जल्दी आ जाना बेटा। अच्छा। पुतला देना तो सबको ऐसा देना जो अपना भी भला करे और बाप का भी भला करे। मैं तो समझता था कि छोकरा गलत लाइन पे चला गया, आखिर व्यापारी का बेटा है। नहीं, धंधा किया, माल लाया, लाइन पे लग गया। तुम्हारा 1,00,000 शुक्र है दरियालाल, 10 बेटा नहीं दिया, 1 दिया, पर काम का दिया। बाप का माल साफ करके बाप को उल्टू बना गया। अरे दरियालाल तुमने आपको ऐसा छोकरा क्यों दिया? गिल्लो डैडी पूरा 1,00,000। थैंक यू मिस्टर लच्छू, एक दिन हम तुम्हारा इंसल्ट किया, तुमको गाली दिया, हम तुमसे माफी मांगता है। माई सर कैसा बात करता है डैडी, आपने गाली दिया, दिए ही बड़ी लिया तो कुछ नहीं, पहले आपने गाली दिया आज बेटी देता है, ऐसा गाली तो हर कमारे आदमी को मिलना चाहिए। क्यों रीता? अच्छा डैडी हम जाता है, हमको शादी की तैयारी करना है, हम कल शादी करेगा। अच्छा आ जाओ डैडी, गॉड तुम दोनों को सुखी रखो। थैंक यू वेरी मच डैडी, दोनों को शादी होना। शादी मुबारक। अरे सुनो, हम तुमको पहले भी बोला हमारे मुंह मत लगो, शादी हमारा है, तुम्हारे बाप का नहीं, तुमको बड़ी पंचायत का पड़ता है। भिखारी कचरा घर ही छोड़ के इधर आ जाता है। टीचर
आओ। कुमार बाबू, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आओ बधु, बैठो। अच्छा हुआ मैं जल्दी आ गई, अब मिले तो सही। पता चला आप कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं। हाँ। कुमार बाबू, मैं देख रही हूँ आप मुझसे दूर होते जा रहे हैं, क्या मुझसे कोई कसूर हुआ है? ऐसी तो कोई बात नहीं। तो फिर क्या बात है? मैं जानती हूँ आप बहुत दुखी हैं, क्या मैं आपका दुख बांट नहीं सकती? मधु, मैं बहुत दिनों से तुमसे कुछ कहना चाह रहा था, न जाने क्यों कह नहीं सका। शायद ये मेरी कमजोरी थी, मगर अब मैं तुम्हें और अंधेरे में नहीं रखना चाहता। मैं किसी और को अपनी जिंदगी का साथी बना चुका हूं। हाँ मधु, वो लड़की तुमसे बहुत पहले मुझे पहाड़ पे मिली थी, बिल्कुल तुम्हारी हमशक्ल। वहीं हम एक दूसरे के करीब आए थे, वहीं हमने एक दूसरे को वचन भी दिए थे, और आज उसी वचन के मुताबिक मैं उसके पास जा रहा हूं। मधु, कल पूर्णमासी है और हम हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। मधु, हो सके तो मुझे माफ कर देना। राजकुमार, क्या मैं पूछ सकता हूँ, जब से तुम मेरे पास आए हो मैंने तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं पहुंचाई? जी नहीं। शुक्र है। क्या तुम यही बता सकते हो कि अगर एक बाप अपनी औलाद की खुशी को अपनी जिंदगी समझे, इसमें कोई गलती तो नहीं? जी बिल्कुल नहीं। तुम ये तो जानते हो कि मधु मेरी एक ही बेटी है, लेकिन शायद तुम ये नहीं जानते कि उसकी माँ उसको 3 साल का छोड़कर इस दुनिया से चली गई और मेरी दुनिया अंधेरी हो गई। मैं उसके बगैर एक पल भी जीना नहीं चाहता था, लेकिन मधु की मासूमियत और मेरे फर्ज ने मुझ में एक जिंदगी की ऐसी किरण पैदा कर दी कि आहिस्ता आहिस्ता मैं अपने साथी के गम को भूलता चला गया। अब मधु ही मेरी खुशी, मेरी जिंदगी और मेरी तरक्की का सहारा थी। लेकिन जब भी ख्याल आता कि मधु भी एक दिन मुझे छोड़कर पता नहीं किसके घर चली जाएगी, तो दिल तड़प उठता था। लेकिन मिस्टर राजकुमार, सच मानो, तुम्हारी नेकी, शराफत, इंसानियत और इसके साथ साथ मधु का अपने मन ही मन में तुम्हें देवता मानना, इसने मेरे सारे गम भुला दिए। लेकिन आज जब उसने बताया कि मेरे सारे अरमान रेत का महल थे, कि तुमने उसे अपनाने से इनकार कर दिया, तो मैं डर गया। मैंने उसे तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन उसने साफ साफ कह दिया कि अगर वो तुम्हें हासिल न कर सकी
तो खुदकुशी कर लेगी। मिस्टर राजकुमार, मधु बाप के लाड प्यार की पाली हुई एक सिद्धी बच्ची है। मैं तुमसे भीख मांगता हूं, मेरी बच्ची की जान बचा लो। मुझे मधु की खुशी के सिवा जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ये लो। दुनिया भर में फैली हुई प्रॉपर्टी, जमीन मकान जायदाद, सत्य कागजात रसीद है, और एक चेकबुक है। इनमें से एक एक चेकबुक मेरे दस्तखत है। ये लो, ये सब कुछ ले लो बेटा, लेकिन मेरी बच्ची की जिंदगी बचा लो। मैं तुमसे भीख मांगता हूं, भीख मांगता। सेठ जी, मैं दौलत हासिल करने की जिंदगी पर सपने देखा करता था, और ये सब कुछ तो मेरे सपने से भी कहीं ज्यादा है। मगर आज आज मुझे कुछ और चाहिए। और क्या? मेरी मां मुझे वापस ला दीजिए सेठ जी, मेरी मां मुझे वापस ला दीजिए। वो मां जिसने लोगों के कपड़े सी सी कर मुझे इतना बड़ा किया, वो मां जिसने गरीबी में भी मुझको राजकुमार बनाया। मैंने उसकी आत्मा को धोखा दिया, उसकी आवाज न सुनकर मैं उसे मार डाला सेठ जी, मैंने अपनी मां को मार डाला। अगर आज भी उसकी आवाज नहीं सुनूंगा तो दुनिया की कोई मां अपनी औलाद के लिए इतनी तपस्या नहीं करेगी। दुनिया की कोई मां अपनी औलाद को परवान चढ़ाने के लिए अपना सब कुछ निछावर नहीं करेगी। दुनिया की कोई मां अपनी औलाद के ग्रह से दुख के लिए अपने सारे सुख कुर्बान नहीं करेगी। कोई मां अपने आशीर्वाद का अनुदान देने के लिए अपनी औलाद पर भरोसा नहीं करेगी। सेठ सेठ जी, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए सेठ जी, मुझे सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरी मां ला दीजिए, मुझे मेरी मां ला दीजिए। बेटा, तुम्हारे अपनी माता से बिछड़ने का हमें भी उतना ही गम है, लेकिन मैं पूछता हूं, जो चले गए हैं उनकी खातिर तुम हमें क्यों खत्म करना चाहते हैं? सेठ जी, मेरी मां की मेहरबानी आज भी मेरी आत्मा को झिझोड़ रही है, और मेरी आत्मा एक गरीब लड़की को वचन दे चुकी है सेठ जी, अगर आज मैं उसके पास नहीं गया तो अपनी जान दे देगी, फिर मेरी जिंदगी में कभी पूर्णमाश नहीं आएगी सेठ जी। ऐसा न कहो बेटा, ऐसा न कहो, मेरा कलेजा फट जाएगा। अगर मधु को कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा न बचूंगा। मैं तुमसे दया की भीख मांगता हूं, मैं तुम्हारे नहीं सेठ जी, नहीं सेठ जी, मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। वो गरीब लड़की जिसका मेरे सिवाय इस दुनिया में कोई नहीं, मैं अपने हाथों से उसका गला नहीं खोल सकता। नहीं, निर्दयी न बनो बेटा, इतने निर्दयी न बनो। मुझे माफ कर दीजिए सेठ जी, मुझे माफ कर दीजिए। रहम करो मिस्टर राजकुमार, रहम करो सेठ जी, भगवान के लिए मुझे माफ कर। राजकुमार, तुमने एक बाप की आत्मा को दुख दिया है, तुम भी कभी सुखी नहीं रहोगे। देखो, ये वो कागज है जिस पर तुमने ऑफिस में बिना देखे दस्तखत कर दिए थे। इस कागज की रूह से तुम्हारा यहां कुछ भी नहीं है। ये घर, तुम्हारा एक एक पैसा, बल्कि तुम्हारे तन के कपड़े तक मेरे हैं। अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन इन सब से हाथ धोकर। सेठ जी, आप कितने अच्छे आदमी हैं। यहां से जाते हुए मेरे दिल पर एक बहुत बड़ा बोझ था कि जिन्होंने मुझे सब कुछ दिया मैं उनको सिवाय दुखी और कुछ नहीं दे सका। आपकी इस मेहरबानी ने मेरे सारे बोझ हल्के कर दिए।
बहुत बहुत धन्यवाद। जब गरीबी के बेरहम थपेड़े पड़ेंगे, जब गली गली एक मामूली भिखारी की तरह एड़ियां रगड़ते फिरोगे, जब भूख तुम्हें रोटी की बजाय सर सर की ठोकरें देगी, तब हमें याद करना। जाओ। मैं मर गया हूं क्या? मैंने सब कुछ सुन लिया है बेटा। दौलत के घमंड में किसी की आत्मा खरीदते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? निकालो कपड़ा, जल्दी करो, निकालो। नहीं, ये लो, बाकी कपड़े घर से भेज दूंगा। आओ बेटा। आया बड़ा पैसे वाला। डैडी, तुम मेरा डैडी है क्या? चलो नहीं। और आत्मा? आओ मतरा। रीटा को बदमाश लोग उठा ले गए। कौन बदमाश? वही पीटर का ही लोग होगा, पीटर जिसको तुमने 1,00,000 रुपया दिया था। डैडी, राजकुमार, अगर रीटा को कुछ हो गया तो हम भी जिंदा नहीं रहेंगे। कहाँ ले गया सर? हमको नहीं मालूम, दो बदमाश आया, हमको मारा, बंद किया, बच्ची को उठा कर ले गया। हमको मालूम? मुझे मालूम। तुम्हें मालूम है? चलो मेरे साथ। अंकल, आप लोग घर आइए, हम रीटा को लेकर फोन आते। अरे बड़ी, हम भी चलेगा नहीं, हमको क्या बुढ़ा समझाया क्या? और पुलिस में भी रिपोर्ट। तुम पीटर? तुम्हारा पीटर। वो कमीना इधर ही गया था, इस रास्ते से। तुमको मेरा हाथ? अब ये हाथ जिंदगी भर इन्हीं हाथों में रहेंगे। इसे तुम यहां से लाए? मालूम नहीं हमारे बिजनेस में एक औरत का आना कितना खतरनाक हो सकता है। कोई खतरा नहीं पार्टनर, मैं इससे शादी करके सारे खतरे खत्म कर दूंगा। बस, मुझे लोग हमारे बंगले की तरफ आ रहे। जा, हमारे बंगले की तरफ। इन्हें आने दो अंदर, दरवाजा खोल। तो कोई नहीं, दरवाजा बंद। रीटा क्या है? जमकर रीटा चाहिए। जहां जा रहा हो वहीं खड़े रहो। तुम पीटर? पैसा मिलते ही भिखारी से जेंटलमैन बन गया। रीटा कहां है? तुमको यहां रात तक किसने बताया? अरे बढ़िया, मैंने इतना पूछा, तुम रास्ता पूछता गाड़ी टैंक का। बॉस, बॉस, मिस, पुलिस। हेलो, हेलो, चौकी नंबर पे। Traveling by India Airlines 181. You are requested to proceed to the aircraft.
सोहन, जिंदा हो? और वो गोली? वो सब नकली थी। तुम हमारे ऊपर इतना बड़ा जुर्म क्यों किया जो? हमारा बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? वो तुम्हारे तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाया था। तुम्हारे जैसे ज्यादा नशा करने वाले लोग मेरा शिकार बनते। सिंगापुर में मैं हरनाम सिंह टैक्सी ओनर के नाम से मर चुका हूँ। जापान में ईश्वरदास चौखाने के नाम से मर चुका हूँ। मलेशिया में अब्दुल कादर और यहाँ तुम्हारे जॉन के नाम से मर चुका हूँ। मिस्टर डायस, मैं इतना कमीना आदमी नहीं हूँ कि किसी को मार कर जीऊं। मैं तो खुद मर कर जीता हूँ। बॉस, मेरा पात्र मारा गया। मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। इस सारी जगह को रात का शेर बना दूंगा, रात का शेर बना दूंगा। This is the last and final call for Mr. Raj Kumar. Shabash, putra, shabash. Thank you very much, my son. God bless you. Raj Kumar, तुमने वक्त पर आकर हम सबको बचा लिया। Thank you very much, sir. लच्छू, मैं चलता हूँ, मैं प्लेन जाने वाला हूँ। पुत्रा, एक नहीं चार चार प्लेन कर दूंगा, तुम मेरे साथ चलो। आपका प्लेन तो कब का जा चुका है? कोई दूसरी फ्लाइट? दूसरी फ्लाइट जाने ही वाली है, अनाउंस हो चुका है। उसमें एक सीट दे सकते हैं आप? सॉरी, इसमें एक भी सीट खाली। देखिए बहुत जरूरी है, किसी की जिंदगी का सवाल है, प्लीज। मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है, आप बिलीव कीजिए, इसमें एक भी सीट खाली है। अरे वरी, एक सीट नहीं तो सारा प्लेन दे दो, नहीं हम चार्टर का पैसा देने के लिए तैयार है। देखिए, इसके लिए भी ऊपर से परमिशन लेनी पड़ती है और एक दिन लग जाता है। आप कल जा सकते हैं। आज पैसा देता हूँ तो कल करेगा। कल जाके क्या करूंगा, उसकी जिंदगी तो खत्म हो चुकी होगी। वीर जी, ये गल है तो साड़ी सीट पे चले जाओ ना, साड़ा की है, असी कल चले जाएंगे। क्यों बाबू जी, इन्हें तो कर सकते हो। कोशिश करता हूं। थैंक यू वेरी मच सरदार जी। वाह सरदार जी वाह, बेटा तुम चलो, हम तुम्हारे पीछू पीछू आएगा। तुम आ गए, तुमने बहुत देर कर दी। नहीं, कहा है बाबा? गोली जा रही, उसे बचाओ, उसे बचाओ बाबू, उसे बचाओ। मैं विश्वास नहीं करता। मुझे माफ करना बाबू जी। गौरी, गौरी, मैं ठीक हूँ बाबू। गौरी,
गौरी, मधु, मैं कितनी खुशनसीब हूँ, तुम देवता हो, तुम जीत गए। मगर ये सब क्यों? मुझे अनमोल मोहब्बत और सच्चे प्यार की तलाश थी, लेकिन मैं डरती थी, मेरी इतनी दौलत कहीं मेरी सच्ची मोहब्बत के सामने दीवार न बन जाए। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मालिक, बिटिया रानी बहुत खुश है। हाँ मालिक, जिस चीज की उसे तलाश थी मिल गई। मगर ये खेल कब से? जब मैं अचानक पहाड़ी कपड़ों में तस्वीर खींचवा रही थी और तुम घोड़े से गिरे थे, और जब तुमने मुझे साफ साफ बताया कि तुम डैडी के कंपनी में एक मामूली मुलाजिम हो, तभी मैंने डैडी को कहा और उन्होंने भी मेरा साथ दिया। मगर तुम यहाँ वहाँ क्यों? क्या तुम भूल गए? हमारे अपने हवाई जहाज भी हैं, क्या मैं तुमसे पहले नहीं आ सकती थी? मगर वो तुम्हारी नीली आंखें। अगर मैं इधर नकली बाल लगा सकती हूँ तो क्या उधर नकली आंखें नहीं लगा सकती थी? मधु, डैडी आ गए। डैडी, मुबारक हो मिस्टर राजकुमार। मेरी तरफ से भी मुबारक हो। मैं मधु बनकर आपकी माताजी को टेलीफोन करती रही। और ये बड़ी तुम इधर भी आ गया। बगुमाल जी, ये मेरी बेटी मधु उर्फ गौरी, और ये मेरे होने वाले दामाद मिस्टर राजकुमार। और ये पहले कपड़ा उतारता था, अभी दामाद बोलता है। शादी का जोड़ा पहनाने के लिए पहले पुराना कपड़ा उतारना पड़ता है बगुमाल जी। अरे इधर दामाद लोग इकट्ठा हो गया है, ये आपका दामाद और ये हमारा दामाद। ओ डैडी, क्या बोला, एक बार फिर बोलो। नी और ये फिर क्या बोले, ठीक तो बोल रहा है पुत्रा। ओ थैंक यू डैडी। मालिक हजूर, डैडी गुड लक टू यू। रीता, आपने मेरा इम्तिहान लेकर जो कुछ मुझे दिया है, मैं शायद इसके काबिल नहीं था। आप महान हैं। मैं नहीं, तुम्हारी माता जी, जिन्होंने तुम्हें सिर्फ जन्म नहीं दिया बल्कि अपने ऊंचे आदर्शों और अपनी ऊंची शिक्षा से तुम्हें ऐसी इंसानियत दी जिसे मेरी दौलत भी ना खरीद सकी। आओ बेटे। बेटे डरो नहीं, इस आदमी को मैंने तुम्हारी हिफाजत के लिए तुम्हारे साथ रख छोड़ा था। डैडी, प्यार ने सौ रूप रचाया, सब कहीं जाके तुमको पाया। थाम ले मुझको कि बस में नहीं जिया, आज को जंगली रात मां धरती पर है आत्मा। कोई रे बन के चांदनी, उतरा मन के आंगनी।